हाय फ्रेंड्स, आज मैं बात करूंगा क्लेनब्यूटरॉल के बारे में। ये मैं वीडियो जो बना रहा हूं, बेसिकली मैं बिल्कुल एंडोर्स नहीं करता कि आप ये सब लें। बहुत सारे लोग क्लेनब्यूटरॉल लेते हैं और बोलते हैं मेरे को हाथ में जिटर्स आती है, मेरे को मेरे हार्ट बीट बढ़ जाते हैं, तो ये उसके साइड इफ़ेक्ट्स हैं। आप फिर भी अगर क्लेनब्यूटरॉल ले रहे हो, आपके प्रोफेशनल रीजंस के कारण या जो भी कारण आप ले रहे हो, तो मैं इतना आपको इसमें हेल्प कर सकता हूँ कि आप जब क्लेनब्यूटरॉल से अपने आप को सप्लीमेंट करते हैं, तो उस समय आपको दो चीज़ों का ध्यान रखना है। आपको अपने आप को टोरीन से सप्लीमेंट करना है। अगर आपने दिन का 2 ग्राम या 3 ग्राम टोरीन लिया, तो आपके जिटर्स में कमी आ जाएगी। आपको इलेक्ट्रोलाइट्स भी लेने पड़ेंगे। अगर आपने प्रॉपर इलेक्ट्रोलाइट लिए, तो आपके जो शेकीनेस और जिटर्स है वो डेफिनेटली आपके कम हो जाएगी, आपके क्रैम्पिंग कम हो जाएगी। जनरली होता क्या है कि क्लेनब्यूटरॉल लेने के बाद आपको क्रैम्प्स आते हैं, जिटर्स आते हैं, और इसका पीछे का रीज़न है क्लेनब्यूटरॉल कहीं ना कहीं टोरिन के कॉन्सेंट्रेशन को डिप्लीट करता है, साथ ही साथ आपका यूरिनेशन भी थोड़ा बढ़ जाता है। तो डेफिनेटली इट इज़ नॉट अ डाययूरेटिक, बट कहीं ना कहीं आपके इलेक्ट्रोलाइट लेवल्स भी कम हो जाते हैं। तो अगर आपने अपने आप को इलेक्ट्रोलाइट से सप्लीमेंट किया और साथ में आपने अगर टोरिन लिया, तो आपके जिटर्स आना बंद हो जाएंगे। सो फ्रेंड्स, स्टे अवे फ्रॉम स्टेरॉइड्स, एंड इफ यू आर यूजिंग इट, एटलीस्ट यूज इट द राइट वे। टेक केयर।